हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। डुगो रोई रोई कर रहा है। तो डुगो की फिर तबीयत खराब हो गई है। फीवर हो गया है, 199.9 फीवर है। हम इसी को देख रहे थे। अभी हमें सोफा फाइनलाइज करने जा रहा है जाना है। आप लोग सोच रहे होंगे कि बच्चे को फीवर है, तो अभी थोड़ा डाउन आया है इसका फीवर और हम लोग निकल रहे हैं। अगर ये कार में भी हो रहा है तो हम इसे लेके जा रहे हैं डॉक्टर के पास। मुझे लग रहा है टीथनिंग के कारण, टीथिंग हो रही है ना उसी के कारण। अभी जो इसको पहले डायरिया था, पर डायरिया से सीजनल था, पता नहीं फीवर एकदम से आया। एसी वगैरह ये कारण है। देखिए तो चलिए, मैं अभी हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से और पहले सोफा देख रहे हैं। ये परेशान होना पड़ रहा है, अच्छा खासा घर में रह रहे होते हैं, अगर कोई दिक्कत नहीं होती हाँ। तो अभी सोफा फाइनल करना है, एसी फाइनल करना, बहुत सारा मतलब नए घर में शिफ्ट होना हंसी खेल नहीं होता, बहुत सारे काम बचे। कितना हाई कर दो प्लीज। और ये जी जी आजू 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 है आजू आजू है आजू आजू है आज देख लो अपने आप को कैसे लग रहे हो तुम। आजू आजू है ओले, कैसे कैसे देख लिए लोते हुए। ओए 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 ओए। तो चलिए चलते हैं जल्दी से चीजें जो पाए। पहले हम लोग जा रहे हैं सोफा देखने, और सोफा जो है राजा कल पसंद करके आ चुके हैं, मुझसे कहते हैं देख लो चल के। तो देखते हैं, मेरे को पता है फोटो में समझ में नहीं आ रहा था वो सोफा, सीरियसली मेरी फोटो में अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने बोला मैं एक बार देख लेती हूँ, क्योंकि फिर वो ऐसा है ना कि आपका परमानेंट सोफा ही रहेगा, रखोगे आप मुझे ऑब्वियसली कहीं दोगे तो है नहीं। बस वहीं जा रहे हैं सोफा देखते हैं, और नॉट अ वेरी गुड फीलिंग। सोफा फाइनल कर दिया है और अब हम लोग जा रहे हैं एक बार घर पे, और जो घर हम ले रहे हैं तो वहाँ पे क्लीनिंग हो गई है, और एक बार जाके इतना देखना है कि क्या बचा है और क्या कराना है हम लोग को। एक बार वो हाई टेंशन वायर है ना, उसकी बात करनी है, क्योंकि ओपनली बात करनी बहुत ज़रूरी है अगर हमें वहाँ पे रहना है। तो ये रेंटेड घर है, अगर आप लोगों को लग रहा है, कुछ लोगों को लग रहा है मैंने इन्वेस्टमेंट किया है वहाँ पे जहाँ पे हाई टेंशन वायर है, ना ना। तो घर बनने में अगर हम घर वो करते तो उसमें 1-1.5 साल लगेगा, बट अभी फिलहाल टेम्प्रेरी वर्क अगर आपको ऐसा देखना है कि हाँ अभी, क्योंकि बहुत सारे इश्यूज वो हो रहे थे तो फिर हम लोगों को जाना पड़ता, लाइक शिफ्ट करना पड़ता। तो अभी ने घर क्लीन कर दिया है, एक बार जाके देख लेते हैं वहाँ पे। एक ना किचन जो है, किचन की मेरे को देखना है कि कैबिनेट वगैरह क्लीन है नहीं है, और वहाँ पे क्या बोलते हैं वहाँ पे जो मोटर प्लग गया है, जो मोटर वो मोटर है ना उसमें भी कुछ कुछ निकला हुआ था। मैंने बोला जाके पहले पूरी बात वो कर लेते हैं हम लोग, क्योंकि जल्दबाजी इज़ गुड बट इतनी जल्दबाजी भी सही नहीं है कहीं पे भी बोलना है। तो एक बार बात करके आ रहे हैं हम लोग वहाँ पे कि हाई टेंशन हुआ है, और फिर उनको कहते हैं ना एडवांस पेमेंट वगैरह वो करनी है, देन बस हो जाएगा हमारा घर। तो बस एक तैयारी चल रही है, धीरे धीरे होता जाएगा, मतलब सेटिंग सेटअप करने में टाइम लगेगा। और हमारा ना फर्स्ट टाइम है, मतलब मेरा और राजा को तो पता टोटली फर्स्ट टाइम है, तो फिर भी अपने घर में मैंने बहुत शिफ्टिंग देखी है, क्योंकि मेरे पापा एयरफोर्स में थे, देन बैंक में हैं वो अभी, तो ना क्या बोलते हैं हम लोग के बहुत ट्रांसफर आते थे, तो बहुत शिफ्टिंग देखी हम लोग। राजा ने तो आई थिंक अपने जब से ये हुए हैं ना देखा ही नहीं, नहीं देखा शिफ्ट नहीं हुई ना कभी, नहीं शुरू से बचपन से जब से नहीं, बचपन में एक जगह थे लेकिन बचपन में पर बहुत छोटे थे ना, 3-4 साल के रहे होंगे है ना तब यहाँ पे आ गए, तो उसके बाद उन्हें शिफ्टिंग देखी। तो हम लोग के लिए थोड़ा डिफिकल्ट है ये,
क्योंकि होता है आप लोग शिफ्टिंग के यूजुअल, लाइक मुझे शिफ्ट नहीं किया, मैंने जैसा था वो घर हमेशा वैसा रखा। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं पहले, उसके बाद फिर नॉट वेरी गुड। आ गए हैं हम लोग घर, तो चलिए चलते हैं और देखते हैं। स्पेशली हाई टेंशन इज माई टेंशन, इफ इट इज़ अ हाई टेंशन, बट इट इज़ अ हाई टेंशन। हाई टेंशन इज आवर टेंशन, नथिंग एल्स। बच्चा छोटा है एंड राजा तो मैं क्लीन नहीं ये बोर के पानी के लिए इसको मैं ठीक से फिट करवा दूंगा, और ये आपका नल का कनेक्शन आता है जो पीने का पानी का नल लगा है। अच्छा वो भी है, इसका टाइम है और ये तो आपका सब घंटे चलेगा करवा दूंगा। ये कलर फेड हो गया क्या इनके? इसको गंदा किया है जब मैं, और कुछ नहीं है। बाहर की लाइट नहीं वॉश। अच्छा ये वाला वॉशरूम है, इसको क्लीन बहुत जरूरी है। ये देखो ना, अच्छा इतनी गुड फुट हो गया। ये वो वॉशरूम है ना, वॉशरूम ये क्या है इसके ऊपर हमने वो, अरे एसी यहां पे बहुत लग रहा है, एसी यहां लगा हुआ है या बेसिकली इसका ये दिया हुआ है। हां और आउटडोर, आउटडोर पीछे ना, I'm gonna miss my home. I don't know. बाथरूम बहुत गंदे हैं, बाथरूम के पॉट्स बहुत अच्छे से क्लीन करवा दें। तो अभी उस घर की सफाई चल रही थी और अभी हम लोग गए वहाँ पे, तो जो घर है कल हमें लग रहा था कि नया है एकदम जब हम लोग गए थे, जहाँ पुताई चल रही थी। फिर अभी आज हम लोग जो बात कर रहे थे तो वहाँ पे घर पे कोई रहा है, कोई एडवोकेट रहते थे,
और एक चीज अगर आपने नोटिस करी होगी वीडियो में, जो कि हमने खुद आज ऑफिस बना के रखा था नीचे, तभी वो इतना गंदा है। ऑफिस बना के रखा था और ऊपर उनका कोई साला वाला था, वो डेंटिस्ट था, अनमैरिड था, वो ऐसे ही रहता था ऊपर। हाँ, तो वहाँ पे ना बाथरूम के टाइल्स वगैरह पे, और बाथरूम जो नीचे का है ब्लू कलर का, मुझे वैसे थोड़ा सा अजीब लग रहा था। और जो ऊपर है ना वहाँ पे उन्हें पान वान खाते ना, तो वो था। तो फिर मैंने उनसे बोला उसे क्लीन कराने के लिए, तो उन्होंने बोला कि हम जितना भी क्लीन करा पाएंगे एसिड से वो सब करा पाएंगे उतना हम कर देंगे, अदरवाइज उससे ज़्यादा हम टाइल्स तो चेंज नहीं करा पाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पर जब हम लोग वहाँ पे गए थे तो ना जो घर है वो कॉर्नर में है, हाई एक्सटेंशन वायर एक इशू था उसमें, और सेकंड इशू उसमें ये है वो आ गया है, जो कि हमने आज देखा, वही हम लोग का दिमाग नहीं चल रहा है, वही सोफा फाइनल करके आ गए उसके अकॉर्डिंग। मैं बोल दे रहा हूँ कल परसों में नहीं, उसे एक बार सोफा बुक ही रखना, वो नहीं करना, तो सोफा बुक ही है, तो सोफा वो बुक करके आ गए उसके हिसाब से। फिर हमने देखा कि वहाँ पे तिरछा कोण एक ट्रायंगल निकला पड़ा उस घर में, तो वो घर एक ही बार गया है, उसके बाद वो घर कभी गया नहीं है। वो घर अराउंड 2 साल से खाली है ना, वो घर 2 साल से खाली है ना, वो घर 2 साल से खाली है, और उससे मतलब 2 साल पहले वो घर गया था, उसके बाद वो घर गया नहीं है। और हम लोग पता ही करवा रहे थे उस घर के बारे में, क्योंकि अगर आप शिफ्ट करने, एक देखिए क्या होता है ना, आप कुएं से निकल के खाई में नहीं गिरोगे। फिर हम लोगों ने उनसे कहा, मतलब कि वो जो भैया थे, तो वो जो भैया है ना, वो जिनका घर है वो यहाँ पे नहीं रहते हैं, वो आउट ऑफ सिटी रहते हैं, उनके ब्रदर है, लाइक उनकी वाइफ के ब्रदर है, साले हो गए, तो वो यहाँ पे रहते। तो उन्हें बोला आप कल तक पूरा अच्छे से सोच लो। हमने ना ट्रायंगल की बात बोली, हम लोग तो रहे नहीं, और एज अ फैमिली हम लोग नहीं रहेंगे, हमेशा इसे किराए पे ही देना है हमें इस घर को। तो उस घर का इनिशियल रेंट था 20,000, जब वो घर 2 साल से उठने के लिए हो रहा था, 20,000 से फिर उन्होंने 17,000 किया, क्योंकि जिस प्रॉपर्टी डीलर के थ्रू हम उनसे कॉन्टैक्ट में हैं, तो पहले वो 20 में दे रहे थे, फिर वो 17 पे आए, फिर वो 16 पे आए, और अभी वो 15,000 पे थे। मतलब वो जो घर हमें 15,000 में मिल रहा था, और काफ़ी बड़ा घर है, पता है वो बहुत बड़ा घर है, पर वो घर 15,000 में है, ट्रायंगल है। आप लोग सोच रहे थे कि उसका रेंट बहुत ज़्यादा हाई है, टू बी वेरी ऑनेस्ट वो सिर्फ 15,000 का है। ठीक है, तो 15,000 उसका था, और ओनर जो वो नहीं रहते, वो रहते, उन्होंने बोला कि आप थोड़ा सा देख लीजिए, अच्छे से आप सोच लीजिए, एक दिन का टाइम है आपके पास। तो वही मैं को समझ में नहीं आ रहा है कि उसमें तिरछा जो कोन है वो सही है नहीं, क्योंकि पता है वही हम लोग को लग रहा है कि हम यहाँ से निकल गए और वहाँ जाके फंस गए, और शिफ्टिंग इज़ नॉट अ वेरी लाइक ईजी टास्क, और फर्स्ट टाइम है मैं अपनी लाइफ में शिफ्ट करने वाली हूँ। पता, मेरा मन बहुत ज़्यादा भारी हो रहा है, मुझे ना मेरा मन नहीं लग रहा है, पता नहीं अंदर से ना मैं बहुत कच्चा कच्चा टाइप की फीलिंग आ रही है, बहुत कच्चा कच्चा टाइप का फील कर रही हूँ। इतने सालों में ये वाली फीलिंग जो है ना मुझे नहीं आई कभी, मतलब समझ नहीं आ रहा है। और हमने सोफ़ा बुक कर दिया, एसी जो है वो हम लोग बुक करने जा रहे थे, वो अभी एसी बुक नहीं किया है, तो वो है एक एसी का फ्रॉड हम लोग के साथ हुआ है। वो बुक क्या करना है, पैसे लेने हैं उससे। उसने क्या किया था, एसी वाले ने उसे वो करा दिया था, क्या बोलते रहा था उसने, फाइनेंस कर दिया है, और वो हमारे अकाउंट से पैसे जो है वो जा चुके हैं, और हमारे एक महीने के जा चुके हैं, प्रोडक्ट भी नहीं है हमारे पास, कुछ नहीं है, तो वो फ्रॉड किया हुआ है। तो मैं बोल रही हूँ उनसे कैश लेके आ जाओ अभी, हम लोगों को नहीं चाहिए, उन्हें क्यों किया, फाइनेंस पे कर देगा, तो वो पे कर देंगे, क्योंकि हमारे अकाउंट से तो हर दिन के हर महीने के कटने हैं वो पैसे, उनके पास एक बारी में आ जाते हैं जो ओनर रहते हैं शॉप के, ओनर जिनके से भी आप लेते हो। तो वो ये दिमाग खराब हो गया, तो ये वाला घर अभी हमने बना कराया है, ये वाला जो हम देख के आए, पहला वाला वो घर पर बहुत प्यारा है, प्यारा घर है, लेकिन वहाँ उसने भी बोल दिया ब्रोकर, वो जो ब्रोकर है वो ब्रोकर है, वो बोल रहा है कि आप हो, आपकी बीवी और आपका बच्चा है, आप जितने बजे भी आते हो, राजा 10:30-11 बजे तक आते हैं। वो बोल रहे थे वो एरिया बहुत ज्यादा सुनसान रहा है, मुझसे बोल रहे थे अभी चल के देखते हैं 10:30-11 बजे तक कि वो एरिया कैसा लग रहा है। तो फिर मैंने उनसे बोला कि हाँ चल के देख लेंगे, पर उस ब्रोकर ने बोला है कि वो पूरा अंधेरा अंधेरा मिलेगा आपको, लाइक जो रोड से आप पास भी होगे, क्योंकि वो जो एरिया है वो बस रहा है, इसलिए हम लोगों ने ये वाला घर देखा था। पहले हमने वो वाला फाइनल किया था, आई थिंक फाइनल भी नहीं किया था, बात करके आ गया, ध्यान नहीं दिया था। वो 0 डिग्री है ना, नहीं वो 0 डिग्री है, 0 डिग्री में अंदर जाके, वो अगर आप जबलपुर में रहते 0 डिग्री में अंदर जाके, वो वाला घर भी काफी अच्छा था। तो ये वाला 20,000 में था, फिर 17 मतलब 2 साल से उठ नहीं रहा था, तो इन्हें एट लास्ट 15 कर दिया। आई थिंक इस घर को सामने से जो देखते होंगे बड़े लोग, हम लोग बहुत बड़े बेवकूफ हैं कि हमने क्लीन वगैरह, वैसे वो सफाई पताई हो रही, तो वो घर उठना ही है, पता नहीं कब तक उठेगा, पर राजा वो ब्रोकर ने बोल दिया मैं किसी को दिखाऊंगा भी नहीं घर।
मना कर रहे हैं, कन्फेस कर रहे थे आज, पता है उन्हें बोला कि घर तिरछा है, तो उन्हें बोला हाँ घर तिरछा है, हम लोग फैमिली वाले नहीं रहते इसमें और ना रहेंगे, क्योंकि हमारी सिस्टर तो बाहर रहती है तो वो रहेंगे नहीं, और वो भी यहाँ पे जैसे रहते हैं, उन्होंने बोला कि ये घर किराए पे देना है हमें, दो साल से खाली, हम लोग को लगा न्यू कंस्ट्रक्शन है, सबसे बड़ी बात तो मेरे को लगा था वो नया घर है, कहाँ से पूरा गंदा पड़ा जाएगा, कहाँ से हो सकता है वो, और जब मैंने उसे बोला टाइल्स के लिए तो फिर बोले थे टाइल्स चेंज नहीं होगी, हम आपको जितना साफ करके दे सकते दे देंगे, तो वो है उसमें घर बहुत प्यारा था, पर तो मेरे को इतनी गंदी है, मेरे को इतना, हम लोग पता है कल हम लोगों ने सबसे, हम लोग आज डाइनिंग फाइनल करके आए हैं सोफे, हाँ डाइनिंग फाइनल करके आ गए हम, सोफे के पैसे देके आ गए, सोफा हो गया, दस बारह दिन में उठवा लो, क्योंकि दूसरे कस्टमर्स भी आते हैं, जगह एक तो गिरती है और वो पसंद करेंगे, फिर वो तो सब बुक करके लिख देगा ना, वो तो लिख दिया उसने, तो सोफे की फाइनल पेमेंट हो गई, वही वो हो रहा है कि अब भी सोफा करके आए थे, वो तो एसी अभी हमने सोचा कि रुक जाते हैं, पर एसी वाले का पैसे डले हुए हैं हमारे, एसी के लिए भी डले हुए हैं, वो कल राजा कह रहे हो पे कराएंगे, सोचो हम 50,000 हमारा चला गया और हमारे पास घर भी नहीं है, अभी 50,000 खर्च हो गया हमारा, क्यों अपना 40 गया हुआ है, एसी है 40 भी गया, एसी भी एसी नहीं है, ठीक है, और आप लोग कह रहे थे कि उस पे स्टेयर्स है डुगू के लिए, ये बात हमने दिमाग में ही नहीं आई हाँ स्टेयर्स है डुगू के लिए थोड़ा रिस्क रहेगा, पर वहाँ पे हम लोग लगा देते हैं वो जो आता है ना प्रोटेक्ट करने के लिए आता है, और आपको पता है मैंने पर्दे ही मंगवा लिए, बहुत सारी शॉपिंग करती जा रहे थे हम लोग तो मैंने पर्दे ही मंगवा लिए थे वाइट, कि इस बार थोड़ा सा वो रखेंगे यार, खैर सोफे आ गए, घर नहीं आया, एसी नहीं आया, पैसा चला गया, घर नहीं हुआ, सोफे आ गए, मतलब पैसा तो दे दिया, बुक हो गए, सोफे चले तो गए, पैसा चला गया, पर सोफे नहीं है अभी, और ना अभी तक होंगे, वही समझ नहीं आया, सोफे नहीं है, पैसा चला गया, एसी नहीं है, एसी नहीं है, और उन सबको रखने के लिए घर नहीं है, इधर तो लगवाऊंगा ही मैं अपना एसी, आ गए इधर लगवा दिया, सोफे हटवाऊं ये, अब पता नहीं यार समझ आ रहा है, मजाक हो रहा है हमारी जिंदगी के साथ, मतलब जस्ट फाइनल हुआ था यार, फाइनल क्या हुआ था, हम लोगों ने ऐसे हुआ था 10 तारीख तक हम लोग शिफ्ट कर जाएंगे, और हम लोगों को लगा था एक दो दिन में पूजा करा लेते, सब करा लेते, और पंडित जी को मना करना पड़ेगा, पता आप क्या करना है, आप लोग मुझे बताइएगा अगर ट्रायंगल वाला घर कैसा होता है, वैसे मैंने जितने लोगों से पता चला है वो लोग कह रहे हैं ट्रायंगल सही नहीं था, इवन जो ओनर के ब्रदर है वो भी बोल रहे हैं कि आप देख लीजिए उसके बाद फिर हमसे मत बोलिए, क्योंकि आप शिफ्ट कर लेंगे उसके बाद फिर हमारी वो नहीं है, क्योंकि उसके बाद तो फिर वो पैसे ही लेंगे और क्या करेंगे, पूछो यार दिमाग खराब हो रहा है, ये घर क्या क्यों जाने नहीं देना चाहता यार, ये घर सही में ऐसा लग रहा है ना कि मैं क्या करूँ यार, ये तो अच्छा सबके लिए वहाँ पे रूम्स है, सबके लिए है, गूगल बोझो से लेके सबके लिए अपना रूम्स अलग अलग, इतनी सारी राजा इतने गंदे मूड में घूम रहे हैं कि पता नहीं क्या करते हैं, ऐसे घूम रहे हैं ऐसे घर में ऐसे करके सोचते हैं, बोल रहे कि रुक जाओ धैर्य रखो अभी होगा सब होगा, तो मैं अभी कर्टन्स खोल रही थी तो कुछ सामान मैंने मंगवाया है, उनमें से कर्टन्स भी हैं, तो अभी सामान मैं आपको दिखाऊंगी, उन सबके लिंक आपको मिल जाएगी इन माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कलर है वाइट भी नहीं है, तो ना मैं ना ये वाला जो कर्टन है ये वॉश कर रही हूँ, ये कर्टन्स जो है परमानेंटली अलग कर रही हूँ, तो मैं वो डाल के देखती हूँ कर्टन्स पूरे आ रहे नहीं आ रहे, ताकि हम वॉश करेंगे तो हमें एक आइडिया भी रहेगा, अगर मेरे पर कोई छिपकली गिरी तो मैं सच में गिर जाऊँगी, मेरे बहुत छिपकली आया है इस घर में, इतनी छिपकली है कि छिपकली के अंडे तक हमें मिलते हैं हमारे मंदिर के अंदर, ड्रेसेस ओपन करने वाली हूँ और इसमें एक साड़ी भी है और देखते हैं कि कैसा होने वाली है ड्रेसेस, तो मुझे ना वेस्टर्न ड्रेस बहुत अच्छी लगती है, सबके लिंक आपको मिल जाएगी इन माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं अगर आपको कुछ पसंद आता है, तो इसमें कुछ समर ड्रेस है, एक साड़ी मैंने मंगवाई बहुत ही प्यारी लग रही थी वो साड़ी मैंने मंगवा ली, और कर्टन्स जैसे कि मैंने आपको दिखाया कर्टन्स, अभी मैं दो और ऑर्डर करूँगी, जैसे हम शिफ्ट करेंगे तो वहाँ पे यूज हो जाएंगे, कम से कम यहाँ का थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, मतलब आज आपको मेरा बैकग्राउंड अच्छा लग रहा होगा ना देख के, मतलब थोड़ा अच्छी फीलिंग आ रही है, मैं पता नहीं इसको देख के थोड़ी अच्छी फीलिंग आ रही है, जो ड्रेस है वो है इन पर्पल कलर, तो इसमें आपको ना बहुत सारे कलर मिल जाएंगे, तो ये वाली ड्रेस मेरे को लगा पर्पल में मंगवाते हैं, तो ये है ये वाली ड्रेस, एक्चुअली मैं ना मेरे को ये सब ड्रेसेस अच्छी लगती है, मैं पहनती भी हूँ अगर हम कहीं जा रहे हैं या कुछ है, ये घर में ही पहनने के लिए काफ़ी अच्छी रहती है, लेकिन अगर आपके घर में कोई आप गेट टुगेदर कर रहे हो या कोई पार्टी कर रहे हो तो उसके हिसाब से भी, इसकी स्लीव्स मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी, लाइक ये न्यू पैटर्न है, यहाँ से आपको इस तरह की स्लीव बन जाती है, और यहाँ से जो नेक है ये ऐसी है,
इसे आप चाहें तो पिनअप कर सकते हैं। और ये जो है ये देखिए यहाँ से भी स्लीव है, तो ये है ड्रेस, मैंने यहाँ पे पिन लगाई है। इसका जो नेक है वो थोड़ा सा डीप है, आप यहाँ पे एक स्टिच भी लगा सकते हो। और यहाँ पे आपको ना इलास्टिक मिलती है इस तरह से, एंड इसकी स्लीव्स बहुत अच्छी है। और यहाँ पे आपको मिल जाती है ये बेल्ट, और इससे आप एडजस्ट कर सकते हो ड्रेस। और ये है पीछे आपको कट मिल जाता है, ताकि अपने लेग स्प्रेड या वो डांस करना है तो आप आराम से कर सकते हैं। एंड ये है इसकी नेक स्लीव्स, और ये है इसका कलर। तो करने वाली हूँ ये वाली ड्रेस। तो ये जो ड्रेस है ये है इन नेवी ब्लू एंड वाइट कलर। ऐसे मेरे पास एक रेड कलर की ड्रेस भी है, तो ये जो ड्रेस है ना इसकी फिटिंग बहुत अच्छी आती है। तो एक मैंने ये वाली ड्रेस जो है वो भी मंगवाई है। इसका कलर मुझे ना उस टाइम जब मैंने इसे रेड में लाई, मरून एंड वाइट में मंगवाया था, उस टाइम मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा था कि मैं इसे वाइट एंड ब्लू में मंगवाऊँ। तो मुझे लगा इस बार इसको वाइट एंड ब्लू में ही मंगवा लेते हैं। तो ये है ड्रेस, आपको ब्लैक दिख रही है, ब्लू दिख रही है, तो ये ना ब्लू कलर है। ये देखिए करीब से देखिए। ए बेबी कैची कैची आई है, तो इसका फीवर उतर गया है। एंड ये रहा हमारा स्मार्ट बॉय। ओ ये है ये वाली ड्रेस, वो जो वो मेरी रेड वाली ड्रेस है, वो मेरी नी लेंथ तक की ड्रेस है, ये थाई तक की है। हमारी तीसरी ड्रेस, दे लाइक परफेक्ट फॉर समर। लाइक आप समर के लिए कुछ ड्रेसेस देख रहे हैं तो उनके बहुत अच्छी है, बहुत ही लाइट वेट है। एंड इसका प्राइस ही पता है, आई थिंक ये 250 अराउंड समथिंग की रेंज में आपको मिल जाएगी। तो एक ही वाइट ड्रेस मैंने मंगाई है, इसके ऊपर अगर आप अनकम्फर्टेबल है तो शर्ट डाल सकते हैं, परफेक्ट फॉर बीच वेकेशंस। तो एक ये वाइट ड्रेस मंगवाई है। अब ये साड़ी, और ये जो साड़ी है इस पैटर्न की, ये मेरी पहली साड़ी है। तो मैं मैक्सिमम डिज़ाइनर साड़ी और इस तरह के कपड़े ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, बट मुझे ना ये साड़ी का कलर बहुत अच्छा लग रहा था। और जो साड़ी है ये भी समरिश है, सारे कलर मिल जाएंगे जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं। इसमें आपको मिलता है स्काई ब्लू, येलो, पिंक, ये वाला ब्लाउज लाइक येलो कलर का ब्लाउज मिल जाता है। साड़ी मैंने पहन ली है, यहाँ पे इसका हम ब्लाउज भी लगा लेते हैं ये एंड ये, तो इस तरह से इसका ब्लाउज आ जाएगा। और ये साड़ी देखिए, पर सीरियसली साड़ी का कलर लाइक समरिश साड़ी है बहुत ज़्यादा। एंड फैब्रिक बहुत ही ज़्यादा लाइट है, अगर आप कुछ लाइट वेट में साड़ी देख रहे हैं फॉर समर तो आप इसे आराम से खरीद सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा डिस्काउंटेड प्राइस में मिल जाएंगे ये सारे कपड़े जो मैंने आपको दिखाए हैं। सब कपड़ों की लिंक आपको मिल जाएगी इन माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स, अगर आपको कुछ ही पसंद आता है तो जाके चेक कर लीजिए मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स। शुरू फीवर चेक किया तो अभी सबसे ज़्यादा टेम्परेचर आ गया इसे 101, पता नहीं क्या हो रहा था, समझ नहीं आ रहा। अच्छा खासा था यार ये, मेरे समझ में ही नहीं आ रहा है कि हुआ क्या। पीसीएम दे रहे हैं 3.5, डॉक्टर से बात करी तो उन्होंने बोला पीसीएम दे दो, तो पीसीएम में जरिए से इंजेक्शन भी नहीं लगा। अभी इसका इंजेक्शन का टाइम भी था, इंजेक्शन नहीं लगा। जस्ट मैंने अभी डुगो खाना खिलाया है और मैंने अभी सैलड काट लिया है अपने लिए, मतलब खाने के लिए। ये मैंने फेवरेट सब्जी बनाई है, सूखी आलू प्याज की लाइक लेस ऑयल में सब्जी। और ये जो है ये है दाल, और ये है चावल, और मैंने आमलेट ही बनाया। तो अगर मैं प्लेट लगा लेती हूँ उसके बाद आपको इस प्लेट की खूबसूरती दिखाती हूँ। तो ये मैंने खाना डाल लिया है, ये सब्जी है सूखी चावल, और ये दाल अचार, और ये है ठंडा ठंडा आम रस जो कि यम होता है, बस सीरियसली यम होता है ये आम रस। अगर आप थोड़ा आई थिंक गर्मी में इसका मज़ा ही कुछ और होता है। और मैंने सैलड आपको दिखा दिया था, अब मैं ले जा रही हूँ। मैं ना एक ही प्लेट में डालती हूँ, ये मैं राजा दोनों एक साथ ही खाते हैं, लाइक मैं खिलाती हूँ राजा को। तो चलिए चलते हैं, मैंने खाना खिला देती हूँ। डुगू और राजा बेडरूम में है और आपको सुन रहा होगा, डुगू और टाइम पास कर रहे हैं। डुगू काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहा है अभी, पर फीवर के कारण हो रहा है, तो रात तक देखते हैं। ये पता दांतों के कारण भी मैक्सिमम चीज़ें होती हैं,
तो हम लोगों ने इतना हवा नहीं बनाया, हमने एकदम आज शांति से ही रहेगी ठीक है। पर 101 फीवर हो गया तो हम लोग काफ़ी स्ट्रेस हो गया। राजा ने बोला अभी रात भर पे देखते हैं, तो अभी तो है उसका फीवर उतरा हुआ, अब सुबह देखते हैं, अगर सुबह भी रहता है तो फिर उसे एंटीबायोटिक वगैरह लगेंगी, तो उसके टाइम पे फिर हम डॉक्टर के पास जाएंगे और फिर से एक नया घर देखना पड़ेगा। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर उसका उपाय होता है तो बताइएगा, पर उपाय पता है क्या है, हम लोग को लग रहा है कि हम जाके उपाय करें, इससे अच्छा हम एक बार में सही कर लेंगे तो सही रहेगा। तो वो जो उसका तिरछापन लाइक ट्रायंगल निकला हुआ, लाइक त्रिकोण बोलते हैं उसे, घर भी तिरछा है, पता है कि जो वॉशिंग एरिया है ना वो ऐसे जा रहा है, अगर मैंने रिकॉर्ड किया होगा तो आप लोगों को दिख गया होगा, ऐसे जा रहा है, मतलब स्ट्रेट जाता है ऐसे जा रहा है। आप देखिए मेरी हालत क्या हो गई, इतने दिन से आए हुए हैं हम लोग, नेल पेंट चेंज नहीं कर पा रही हूँ, मुझे बालों में ऑयलिंग करनी है, आज मैं कर रही हूँ ऑयलिंग अभी जाके ठीक है, ऑयलिंग करनी है, मैं ऑयलिंग नहीं कर पा रही हूँ, चेहरा नहीं देख पा रही, पता नहीं क्या होगी मुझे, तो जैसा भी होगा बताते हैं। अब पता नहीं यार क्या चल रहा है लाइफ में, पर थोड़ा सा हम लोग को भी, मेरे को लग रहा है थोड़ा सा शांत होना पड़ेगा माइंड से, कि इतना ज़्यादा हड़बड़ा के भी चीज़ें नहीं करनी है, क्योंकि पता है बहुत सारी चीज़ें लगातार हुई हैं लाइफ में कि चलती रही। मुझे तो लगता है कि मैं ना बाहर ही रह लूँ कहीं पर, कि वहाँ जा कर रह लूँ, मेरा कई बार मन करता है कि अपने घर चली जाऊँ, फिर मेरे को राजा का लगता है कि राजा का क्या होगा, क्योंकि राजा हम लोग के बिना नहीं रह पाएंगे और ऑफिस छोड़ के आ नहीं पाएंगे, कि ऑफिस छोड़ के मैं चली जाऊँ, मतलब कि ऑफिस इनका छुड़वा के चली जाऊँ, क्योंकि वो भी बहुत ज़रूरी है। तो चलिए अब डुगू को देखते हैं और अभी मैं कर रही हूँ इस वीडियो को एंड, और बताइएगा आप लोग, पता है थोड़ा सा फोकस और आउट ऑफ फोकस हो रहा है कैमरा, क्योंकि कैमरा मैंने थोड़े दिन पहले ही खरीदा है, ये G7X है कैनन का, और पता है फोकसिंग ही क्या प्रॉब्लम है, वो जाके दिखाना पड़ेगा। ठंडा पानी आपको पता है सिर्फ पानी चाहिए इस टाइम पर, एक अच्छा ठंडा पानी और पानी पी लो बस। चलिए मैं सुनते हैं नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, और लाइक कर दीजिएगा।